आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। मैनपुरी, रामपुर समेत कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने संगठन के कील कांटों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, उपचुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करेगी, ये मंथन क्या कुछ फायदा दिलाएगी? जी देखिए, मंथन यहाँ जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, जो उपचुनाव की बात करें मैनपुरी की, तो यहाँ पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है और वही स्थिति रामपुर में, दोनों अभेद्य दुर्ग है जहाँ पर अब तक भाजपा द्वारा कोई लक्ष्य नहीं भेजा गया है और वहाँ पर अब तक कोई जीत नहीं मिल पाई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रयास रहेगा कि जब जो सीट मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद खाली हुई है वहाँ पर कमल खिलाया जाए, क्योंकि 24 में हालांकि चुनाव है, 2 ही साल बचे हैं, पर चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया हमारे देश में है जिसके तहत ये व्यवस्था है कि अगर कोई सीट रिक्त होती है उस पर उपचुनाव होता है और इसी चलते यहाँ पर मैनपुर में चुनाव होना है। इसके अलावा रामपुर खतौली, रामपुर यानी आजम खां के जो सदस्यता रद्द होने के बाद वहाँ भी सीट खाली की गई थी। उसके अलावा भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी, जो कि आपके मुजफ्फरनगर विधानसभा खतौली से विधायक थे, उनकी भी जो है सदस्यता रद्द की गई थी 11 अक्टूबर 2022 के मानक के हिसाब से। तो यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो एक लोकसभा उपचुनाव होना है, 2 विधानसभा चुनाव यहाँ उपचुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी की बैठक है यहाँ पर है और यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, उससे तब प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी हो जाए कि कौन इसमें चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा तमाम फेरबदल यहाँ पर करने हैं, क्योंकि फेरबदल यहाँ जरूरी इसलिए है कि कौन यहाँ कमान संभालेगा, प्रचारक कौन बनेगा, किस तरह जिम्मेदारी यहाँ दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि मैनपुरी और रामपुर ये ऐसे यानी सीटें हैं जहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है, लोकसभा में मैनपुरी और विधानसभा में रामपुर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्यवस्था यही होने वाली है कि किस तरह चुनाव जीता जाए और इसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए, संगठन में चर्चा होगी और कुछ यहाँ निष्कर्ष यहाँ पर निकाले जाएंगे किस तरह मैनपुर चुनाव में अपना काम करना है। गौरव, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है रामपुर और मैनपुरी की सीट पर कमल खिलाना? तो बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर, जिस तरह से सपा चुकी है, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है और सहानुभूति का जो है एक वोट है जो भी निश्चित रूप से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अब तक वहाँ से सपा हारी नहीं है, तो तमाम तरह की चुनौती है रामपुर में, अब तक आजम खान नहीं हारे हैं, तो ये चुनौती भी उनके सामने रहेगी। हालाँकि यहाँ पर किस तरह रणनीति है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी रहेगा वो भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाएगा, समाजवादी पार्टी किसको बनाती है और बीजेपी किसको बनाती है ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है, पर निश्चित रूप से अगर हम बात करें इस चुनाव के लेकर, ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो क्या लग रहा है गौरव, बीजेपी किन प्रत्याशियों पर दांव खेल सकती है? देखिए, अभी हो सकता है किसी साग के वर्ग से किसी को या कुर्मे मौर्य वर्ग से किसी को लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मौर्य की आबादी ठीक ठाक है। इसके अलावा सूत्र बताते हैं, अपर्णा यादव के नाम की चर्चा भी कल सूत्र चल रहे थे, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि कोई नहीं हो पाई है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ तेज प्रताप से यादव का नाम चल रहा था। इसके अलावा रामपुर से सुनने में आ रहा था कि रामपुर आजम खां की जो है पत्नी है तंजीम फातिमा, उनका नाम चलने की उम्मीद नजर आ रही थी, और आलोर से किसका नाम चलता है अभी फिलहाल कुछ बात स्पष्ट नहीं है, पर जल्दी उम्मीद की जा सकती है कि 1-2 दिन के अंदर इन नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जहां सपा ने मैनपुरी व रामपुर की अपनी परंपरागत सीट अपने पास रखी है, वहीं खतौली की सीट पर रालोद को दी है। आपको बता दें कि इन तीनों सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पिछले महीने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा सीट व आजम खान व विक्रम सैनी की विधानसभा सीट की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, रालोद और सपा मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान हो गया है?
जी मयूरी, देखिए कि जैसा कि इस समय की बात की जाए तो सपा के जो संरक्षक थे मुलायम सिंह यादव, जिनका निधन जो है बीते 10 अक्टूबर को हो गया था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की जो ये जो इतने रिक्त सीटियाँ की अगर बात की जाए, जो मैनपुरी में सीट जो है नेताजी के जाने के बाद रिक्त हुई हैं, और आजम खान को जो है अमर्यादित भाषा और बयानों के करते उनके विधानसभा सीट रद्द हुई है, वहीं भाजपा के भी विधायक विक्रम सैनी की खतौली वाली सीट की भी उनकी भी विधायकी रद्द हुई है, वो भी सीट जो है रिक्त हो गई है। तो एक लोकसभा सीट और दो विधानसभा सीट की जो ये रिक्तियाँ हुई हैं उस पर जो है अब उपचुनाव होने वाले हैं। और अगर बात की जाए तो अभी जो उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ में हुआ था, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पहला चुनाव था अध्यक्ष पद संभालने के बाद से, और मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद जो है सपा का भी वो पहला ही चुनाव देखा जा सकता है उस उपचुनाव को, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे भी बरकरार रखना चाहेगी। लेकिन अगर बात करें कि मैनपुरी और रामपुर की अगर सीटों की बात करें, तो ये दोनों ही सीटें जो है लगभग कई वर्षों से, कई दशकों से जो है वो समाजवादी पार्टी का जो है परंपरागत सीटें रही हैं। रामपुर से आजमगढ़ जो है पिछले 2 दशकों से जीतते चले आए हैं, वहीं मैनपुरी जो है नेताजी की खुद की सीट रही है। तो ऐसे में ये चुनाव जो है, उपचुनाव जो है वो बहुत खास बन जाता है सभी के लिए, दोनों ही दलों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। ऐसा पहली बार होगा जब नेताजी की अनुपस्थिति में मैनपुरी का चुनाव होगा, और वहाँ पे जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये बहुत ही खास चुनाव होने वाला है। वो इसे हल्के में लेके बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। वहीं रामपुर की सीट भी उनकी परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, इसलिए बेहद ही खास चुनाव है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसा कयास लगाए जा रहा है कि मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी जो है मुलायम सिंह यादव की जो पुत्रवधु हैं अपर्णा यादव, उनको टिकट दे सकती है। और बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो रामपुर से वो आजम खान की पत्नी को टिकट दे सकती है। आज देर शाम तक इसकी घोषणा भी शायद हो जाए कि उम्मीदवार कौन होंगे इस सीट से, लेकिन ये काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही पार्टियां जो है अपनी जो है पूरी ताकत जो है इन दो सीटों के लिए लगाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टियों के लिए दोनों ही सीटें उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, एक सीट जो है मुलायम सिंह यादव से बिलोंग करती है, और दूसरा सीट जो है वो कद्दावर नेता रहे समाजवादी पार्टी के आजम खान से बिलोंग करती है, तो समाजवादी पार्टी के प्रतिष्ठा का भी सवाल है। वहीं अगर तीसरी सीट की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म होने के बाद ये विधानसभा सीट रिक्त हुई है, जहाँ पे सपा रालोद के साथ जो है वो गठबंधन करके इस चुनाव को लड़ेगी इस सीट पे। बाकी दो जगहों पे गठबंधन का प्रत्याशी होगा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे होगा, और खतौली की विधानसभा सीट पे गठबंधन का प्रत्याशी होगा जो कि रालोद के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा मयूरी। विवेक, जैसा अभी आपने बताया कि मैनपुरी और रामपुर सीट सपा की परंपरागत सीट है, तो इसको बचाए रखने के लिए सपा की कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, जैसा मैं बता दूं कि मैनपुरी का जब भी जिक्र आता है तो नेताजी का जिक्र स्वतः ही हो जाता है। वहाँ के लोग जो उनके समर्थक है, जो वहाँ के लोकल के लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि यहाँ उम्मीदवार वही रहे जिसमें नेताजी जैसा दायित्व निभाने की क्षमता हो, नेताजी जैसी सोच रखता हो, लोगों को साथ लेके चलता हो। यानी नेताजी ने जो इस क्षेत्र के लिए किया है वो इसके आगे बढ़ा के ले जाए, और काफ़ी सालों से वो वहाँ से लड़ते आ रहे हैं। उनकी परंपरागत सीट थी, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, और तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है, और साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा की सवाल है, क्योंकि उनके पिताजी की सीट है जो उनके जाने के वरिष्ठ हो गई थी। तो समाजवादी पार्टी अपना पूरा दमखम इन दोनों सीटों के लिए लगा रही है, और उसे लगाना भी चाहिए। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने जब से सूबे के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है, तब से गोला गोकर्णनाथ की जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हुए हैं, और वो अपने बुलंद हौसले के साथ जो है वो इस जीत को मैनपुरी और रामपुर में भी दोहराना चाहेंगे। भूपेंद्र चौधरी खुद ही जो है वो नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद से दोनों ही पार्टियां जो हैं पूरा दमखम जो है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव नहीं है, उनकी सीट जो है
अब रिक्त हुई है जो दूसरे उम्मीदवार के लिए खोली गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी पूरा मौका है कि यहाँ से वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करके पूरी दमखम ला के जीत दिलाए। वहीं अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर से भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है और पिछले 24 साल से आजम खान का ही परचम वहां लहरा रहा है, उनके परिवार का परचम लहरा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के लिए तो प्रतिष्ठा की बात है ही, खासकर की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि रामपुर में कभी भगवा झंडा नहीं फहराया है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है, तो एक बढ़िया मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों सीटों पर, और समाजवादी पार्टी के लिए अपने प्रतिष्ठा का सवाल है। मयूरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। आगरा के सबसे बड़े मीट कारोबारी एचएमए ग्रुप के ठिकानों पर पड़े आयकर विभाग का छापा करीब 90 घंटे बाद समाप्त हो गई। इस रेड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने एचएमए ग्रुप की 100 करोड़ की अघोषित आय भी सरेंडर की है। बता दें कि एचएमए ग्रुप के द्वारा मीट का बड़ा कारोबार देश और विदेश में किया जाता है। आगरा में एचएमए के करीब 18 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। आगरा में एचएमए ग्रुप के कार्यालय कुबेरपुर स्थित स्लॉटर हाउस, वैभव नगर स्थित पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के आवास, संजय प्लेस स्थित कार्यालय सहित 12 जगहों पर टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिशान अहमद हमसे जुड़ेंगे। जिशान, एचएमए ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, एचएम जो ग्रुप है, जुल्फिकार अहमद भिट्टो का ग्रुप है, ये 2007 में बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे और 2007 में इन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, जिसके बाद ये विधायक बने थे। उसके बाद विधायक बनने के बाद इन्होंने पूरा अपना ध्यान कारोबार पर दिया, तो कारोबार पर ध्यान देने के बाद आज ये देश के सबसे बड़े कारोबारी के रूप में भी देखे जाते हैं, देश के अंदर तीसरे नंबर पर इनका स्थान आता है कारोबार को लेकर, जो एचएम ग्रुप है तीसरे नंबर का स्थान आता है इसका, और जो आयकर विभाग का जो छापा मारा गया था उसमें 5 नवंबर को ये छापेमार कार्रवाई की गई थी। आगरा ही नहीं, 5 राज्यों में और 11 शहरों में 18 ठिकानों पर ये कार्रवाई जारी थी। आपको बता दूं मैं कि एचएम जो ग्रुप है इसके जुल्फिकार अहमद भुट्टो के आगरा में 18 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही थी, तकरीबन 90 घंटे तक ये कार्रवाई चली, जिसके बाद आयकर विभाग जो टीम के ऑफिसर थे उन्होंने लगातार साक्ष्य जुटाने में लगे हुए थे, जो उनके ट्रांजैक्शन थे, जो बैंक से लेन देन वाले ट्रांजैक्शन थे, और जो जब जो मौजूद थे वहां पर, तो सुबह 8 बजे से कार्रवाई लेकर तकरीबन 90 घंटे तक चली। उसके बाद सभी जो घर में मौजूद लोग थे उनके फोन और जो भी दस्तावेज थे वो जुटाने में आयकर विभाग लग गया था। उसके बाद आयकर विभाग को एक चीज, एक जो उनके परिवार के लोग हैं जो जुल्फिकार अहमद भिट्टो के भाई हैं कामिल कुरैसी, तो कामिल कुरैसी के मोबाइल से एक पाकिस्तानी व्यक्ति का कनेक्शन भी सामने आया था, हालांकि उसमें हमने पहले भी बताया था, प्राइम टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, वो एक नॉर्मल बातचीत थी, ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था इनका। और फिर इसके बाद आयकर विभाग ने एक खुलासा और किया, जो इनके सैकड़ों कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों जो कर्मचारियों निगाहों पर थे आयकर विभाग की, तो तकरीबन जो आयकर विभाग ने जिन अकाउंटों पर निगाह रखी थी 400 अकाउंट निगाहों पर थे, जिसके बाद आयकर विभाग ने एक जो कर्मचारी था उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा और उसको गिरफ्तार भी किया। उससे पूछताछ करने के बाद मालूम हुआ, हालांकि मैं बता दूं आपको, जिस व्यक्ति जो इसरान नाम का व्यक्ति था उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये करोड़ों रुपए का जो लेन देन है जो मेरे अकाउंट से किया जा रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आयकर विभाग ने उसको 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन के बाद जो निकलेगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एचएम जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, हालांकि जो जो सुर्खियों में जो आया, इन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व
जुल्फिकार अहमद भुट्टो की बेटी की शादी हुई थी तो सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिल रही थी कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए का खर्चा शादी में किया गया था। तो इसकी आयकर विभाग इसकी भी निगाह थी आयकर विभाग की कि 40 करोड़ रुपए की जो शादी में खर्चा किया गया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस तरीके की जो चीजें थी और जो कर्मचारियों के द्वारा लेन देन वाले मामले थे तो कहीं ना कहीं वो आयकर विभाग की रडार पर था। हालांकि आगरा में जो इस वक्त जो कार्रवाई मानी जा रही है, आगरा में इस वक्त सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, 100 करोड़ रुपए की अघोषित प्रॉपर्टी और जो आय है वो सरेंडर की गई है। हालांकि इससे पहले आगरा में कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जो आयकर विभाग के लोग जो ऑफिसर थे वो ऑफिसर लगातार 4 दिन से कार्रवाई कर रहे थे, जांच कर रहे थे, साक्ष्य इकट्ठे कर रहे थे। तो जितनी प्रॉपर्टियां हैं उन प्रॉपर्टियों के पेपर जो कागजात हैं वो अपने साथ लेकर गए हैं और जितनी ज्वेलरी जो उनके घर से और निवास से प्रतिष्ठान जहां भी जहां से जो दस्तावेज मिले हैं वो अपने साथ लेकर गए हैं। मैं आपको बता दूं कई करोड़ रुपए का कैश भी है वो भी अपने साथ लेके गए हैं और सारी डिटेल जो फोन है कंप्यूटर है जो लैपटॉप वगैरह है सभी चीजें आयकर विभाग अपने साथ लेकर गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई है और एचएम ग्रुप के लिए अब जो कार्रवाई होगी वो एक बड़ी मुसीबत बनकर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा था कि एचएम ग्रुप जो है जो बड़ा ग्रुप है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काम करता है, मीट का एक्सपोर्ट करता है, इसी को लेकर जो आयकर विभाग की जो हेराफेरी बताई गई है, टैक्स से जो हेराफेरी की गई है, तो उस हेराफेरी की वजह से छापेमारी हुई और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी जी धन्यवाद जिशान तमाम जानकारियों के लिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जेल में रहकर भी कम नहीं हो रही है। पहले बेटा उसके बाद साला लगातार मुख्तार एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं अब ईडी की कार्रवाई को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास और उनकी फैमिली के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाकर यूपीएसटीएफ ने प्रदेश सरकार को दी थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है। दरअसल यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दी थी, फिर परिवर्तन निदेशालय ने इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्तार अंसारी एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन लिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, बेटे के बाद अब साले को गिरफ्त में लिया गया है। पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास और अब उनकी फैमिली के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाकर यूपीएसटीएफ ने प्रदेश सरकार को दी थी, इस रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है। वहीं अब ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ी बात भी सामने आ रही है। बता दें मुख्तार अंसारी जेल में हैं और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे पवन पटेल का। पवन, मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अब बेटे के बाद साले को भी गिरफ्त में लिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से की जो मुश्किलें हैं वो कहीं भी कम नजर नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल की बात की जाए तो बीते 5 नवंबर को मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी टीम ने यहां से गिरफ्तार किया और उससे कड़ी पूछताछ की गई। हालांकि उसको जो है न्यायालय में पेश किया गया और वहां से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, तो कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड की मंजूरी की है। बीते कल की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के साले
उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है, गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया और लगातार जो है ईडी की टीम वो पूछताछ कर रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें हैं वो कहीं भी कम नजर होती नहीं नजर आ रही है। ईडी की टीम अभी तक किस तरीके से यहाँ पे पूछताछ कर रही है और किस तरीके की बातें हैं ये अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन लगातार जो ईडी की टीम है वो मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। जी मयूरी, पवन, यूपी एसटीएफ ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है, तो इस रिपोर्ट में क्या था जिसके आधार पर कार्रवाई की गई? अब लगातार जिस तरीके से माफियाओं पर, भू माफियाओं पर और यूपी सरकार, योगी की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो माफिया आती कह मैं पूर्व सांसद की बात की जाए, चाहे मुख्तार अंसारी की बात की जाए, जो लगातार जो अभी तक सामने आई है तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही है योगी सरकार की लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई की कड़ी है कि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को कहीं ना कहीं ईडी की टीम घेर रही है और लगातार चाहे उसके बेटे की बात की जाए या उसके साले की बात की जाए तो ईडी टीम लगातार उनको जो है पकड़ रही है और बातचीत कर रही है और तमाम तरह की जानकारियां जुटा रही है। हालांकि किस तरीके की बातें हैं वो अभी तक सामने नहीं आई है कि ईडी टीम मुख्तार अंसारी के साले से किस तरीके की पूछताछ कर रही है। जी मयूरी, रिपोर्ट के आधार पर मुख्तार अंसारी एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो आगे की और क्या कार्रवाई हो सकती है? अब चूंकि अभी तक ये आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार माफियाओं पर लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है बड़ी कार्रवाई भी सामने आएगी। अगर बात की जाए प्रयागराज की तो प्रयागराज में माफिया आती गहमत के कई ऐसे मकानों को, कई ऐसे अवैध स्थानों को वहां पर चिन्हित किया गया, कब्जा किया गया और उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो मुख्तार अंसारी पे अभी तक किस तरह की कार्रवाई होगी ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कार्रवाई है वो बड़े तौर पे होगी। जी मयूरी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।